जा रहे हैं ली वैकेशन के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड। और ली जाने का ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कश्मीर में गई हूँ लेकिन ली लद्दाख में कभी नहीं गई थी। तो एक हफ्ते की हमारी ये ट्रिप होने वाली है। और आइए चलिए दिखाते हैं लेह कैसा है और कैसा रहने वाला है। अभी हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं दिल्ली में, और फ्लाइट हमने बोर्ड कर ली है, बस थोड़ी देर में टेक ऑफ करने वाली है। तो बस एक डेढ़ घंटे में हम लोग लेह में होंगे और फिर हम वहाँ से बात करेंगे। तो दोस्तों, मुझे तो टेक ऑफ के समय बहुत घबराहट सी होती है, पेट में कुछ अजीब सा होता है, तो मैं चेयर पकड़ के बैठी हूँ। आप भी उसका लेकिन मज़ा लीजिए, क्योंकि मैं टेक ऑफ होने के बाद ही एंजॉय कर पाऊँगी। क्योंकि अब टेक ऑफ हो गया है तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ, और बहुत अच्छे व्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और आगे जाके, जैसा कि हमें बताया गया है, पायलट ने बताया कि आगे जाके हमें माउंटेन व्यूज़ भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। सो होपफुली मैं सारे व्यूज़ आपको दिखाते हुए चलूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने सुंदर व्यूज दिख रहे हैं हिमालयस के, और इतना क्लियर आज मौसम है, आसमान भी बहुत साफ है और बहुत सुंदर हमें व्यूज देखने को मिल रहे हैं। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, आई होप आप लोग भी कर रहे हो। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं लेह एयरपोर्ट, और बहुत ही सुंदर यहाँ से नज़ारे दिख रहे हैं। और बस हम लोग कुछ ही देर में लैंड करने वाले हैं, लेकिन लेह एयरपोर्ट का मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, कि वो एक डिफेंस एयरपोर्ट है और वहाँ पर फोटोग्राफी जो है वो अलाउड नहीं है। तो आप व्यूज़ के मज़े लीजिए और मैं होटल पहुँच के आपसे बात करती हूँ। आसपास की हमारी फ्लाइट थी और हम लोग गेस्ट हाउस में आ गए हैं, और सोचा तो ये था कि आने के कुछ टाइम बाद फिर घूमने निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो ओनर हैं और जो कैब ड्राइवर थे, सब ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आज एटलीस्ट कुछ घंटे हमें प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही बाहर निकलें। और अभी आई थिंक बस दो चार घंटे हम लोग आराम से रेस्ट करते हैं, शाम को हम लोग मार्केट एरिया इधर ही लोकल साइड सीन पे थोड़ा बहुत निकल जाएंगे, उसके बाद देखते अभी थोड़ा सा हमें चाय मंगाएंगे। तो हम थोड़ी देर सो गए थे, दो तीन घंटे। अभी हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि हमने लंच नहीं किया, और यहाँ गेस्ट हाउस एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ अ होम स्टे, तो वो अभी बना नहीं सकते। तो हम बाहर जा रहे हैं कुछ खाने, आसपास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेट्स सी कैसे हैं। बिल्कुल भी नहीं मेरी सांस बिल्कुल नहीं फूल रही है, थोड़ा सा हल्का सा कोल्डिश फील हो रहा है, बट दैट्स क्वाइट गुड as compared to the stories I have heard. So let's see. तो हम आए थे एक रेस्टोरेंट में, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ ज़्यादातर सब कुछ नॉन वेज है। अब बींग क्योंकि हम दोनों वेजिटेरियन से प्योर वेजिटेरियन, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अभी रेस्टोरेंट आए।
अभी हम आए मेन मार्केट लेह में और बहुत अच्छी वाइब्स हैं और टूरिस्ट वाली वाइब्स आ रही है, अगर आप देख सकते हैं आई विल शो यू। नाइस प्लेस और हमने लंच दूसरे रेस्टोरेंट में कर लिया था, पर यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अभी तो आज हम यही एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन हमारा रेस्ट वाला है। कुछ बाइक्स का भी हमने पता किया, तो लेट्स सी अभी कौन सी बाइक हम लोग रेंट करते हैं और आर रेस्ट ऑफ द ट्रिप। फाइनली रात को हमें आते थे रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पर हमें प्रॉपर से घर का जैसा खाना मिल रहा है, नॉर्मल वाला, अदर देन द फास्ट फूड एंड वेजिटेरियन। तो अभी हमने ऑर्डर किया है राजमा और चावल, शाम और मैंने ऑर्डर किया फ्राइड राइस। हाय, तो हम लोग डिनर करके वापस रूम पे आ गए हैं और एक बाइक हमने रेंट कर ली है, बुलेट, जिसका हमें रेंट पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली 1400 के आसपास पड़ा है पर डे का। तो एक हम हफ्ते के लिए हमने रेंट कर लिया और मेन मार्केट में थोड़ा सा ऐसे ही देखा है, तो अच्छा लगा हमें। अब हम कल सुबह जल्दी उठ के जाने वाले हैं लेह की लोकल साइट सीइंग के लिए। एंड रियली सॉरी, मैं बाइक रेंट का या जो भी वो सारे वीडियोज़ थे मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल जा रहा है। पहली बार व्लॉगिंग कर रही हूँ तो इतना आइडिया नहीं आ रहा है, बट आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे भी वीडियोस बनाती रहूँगी और कोशिश करूँगी आगे से जितना ज़्यादा आपको दिखा पाऊँ। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, सुबह मिलते हैं।